मध्य प्रदेश में एक जोरदार भाषण में योगी जी ने कांग्रेस पार्टी की हिंदुओं को विभाजित करने और मुस्लिमों को खुश करने को उनकी वोट बैंक की राजनीति के रूप में उजागर किया, जिसमें प्रगति या विकास की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। कार्य पहले भी हो सकते थे, कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, वनवासियों गिरवासियों हरिजनों जनजाति समुदाय के तो उत्थान हो उनका कल्याण हो वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस को जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। हम फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।